एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भाई के इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बउआ, जो आप लोग का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ईंटें मनके तथा अस्थियां। क्या है? ईंटें मनके तथा अस्थियां, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता पे लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, MCQ ऑब्जेक्टिव यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव, उसी को हम इसमें बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे जो सीधा एग्जाम में ही आने वाला है। तो देख लेते हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? ठीक है, यानी कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में कौन किया था? तो इसका नाम था चार्ल्स मैनन। क्या नाम था? मैनन नहीं, मैसन नाम था। ठीक है, क्या नाम था? मैसन। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? बात समझ रहे हैं ना, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में कौन किया था? तो राखलदास बनर्जी। ठीक है, कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो प्रश्न आपका 3 नंबर का है, करा सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के और हल के प्रमाण को, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण कालीबंगान से मिला है। कहाँ? कालीबंगान। ठीक है, चलिए आपको आगे देख लेते हैं। 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर, ठीक है, किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके। क्या नाम है इनका? अर्नेस्ट मैके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर, करा सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको जो है एक तरह से जो है उनको जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। कौन का? कौन से धातु का ज्ञान नहीं था? वो लोहा का। ठीक है, 6 नंबर की बात कर लेते हैं, करा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा? सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगान किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगान जो है राजस्थान राज्य में है। कहाँ है? राजस्थान राज्य में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे जो है हम बात करेंगे। 7 तक बता दें ना, 8 से बात कर रहे हैं। चलिए टोटल जो है लगभग में जो है हम आपको जो है इसमें जो है लगभग में 25 या 30 ऑब्जेक्टिव पे जो है हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं, ये है आपका 8 नंबर का ना, चलिए यहाँ से रख लेते हैं हम अब। ठीक है, कर राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी तो हड़प्पा में करवाए थे। ठीक है, और अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली बार खुदाई करवाया तो वो दयाराम साहनी करवाए थे, और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है यानी कि दूसरी बार जो खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता की दूसरी बार खुदाई जो उनका नाम क्या था, राखलदास बनर्जी करवाए थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लेते हैं बुआ, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता की अगर बात करेंगे तो प्रमुख देवता शिव थे। ठीक है, जिनको हम महादेव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, करा सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? अगर बात करें सिंधु सभ्यता तो कौन सी सभ्यता की समकालीन नहीं है? तो क्रीट के सभ्यता। कहाँ के? क्रीट की सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग की सभ्यता कहेंगे। कौन सी सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर के ना, तो वो था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर में, करें कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना किसने की? बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? तो इनका नाम था थिलियम जोन्स। क्या नाम था? थिलियम जोन्स। ठीक है, चलिए थ है, इसको बनाइएगा थ आप लोग, थिलियम जोन्स नाम था। ठीक है, चलिए 14 नंबर है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो पहली बार जो है 1921 ईस्वी में किया गया था इनके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है, 1921 में। ठीक है, तो ये था आपका लगभग 14 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बारी बारी से ले लीजिए और अपने कॉपी में जो है उतारिए और याद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 15 यानी कि 15 से। ठीक है, तो यह है आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो हम अभी आपको बताएंगे। सिंधु सभ्यता में
नृत्य करती हुई लड़की कहाँ से मिली है, तो अगर बात करें सिंधु सभ्यता के, तो मोहनजोदड़ो से जो है नृत्य करती हुई लड़की मिली है। ठीक है, चले 16 नंबर का रहा सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। ठीक है, चले 17 नंबर पे बात करते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे ना, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चले आगे देखते लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। कौन नदी है? भोगवा नदी। ठीक है, चले हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो पश्चिम उत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर के साइड में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है एक तरह से विकसित हुई। ठीक है, भारत के अंदर करा राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो 1922 में। ठीक है, 1922 में खुदाई करवाए, तो 1922 में ना मिलेगा ना। चले देख लेते हैं 21 नंबर करा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है बुआ? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चले आगे देखते हैं 22 नंबर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अभी जो है आपको 22 यानी कि 22 तक बता दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो है बढ़िया से ले लीजिए, हम इधर उधर थोड़ा कर दिए हैं। चलिए अब अंतिम जो है लगभग जो है हम 7 या फिर 8 ऑब्जेक्टिव इसमें बात करेंगे, और आपका पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है लगभग में क्लियर हो जाएगा, लगभग नहीं समझिए क्लियर ही है। और देखिए करा लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। लोथल कहाँ? गुजरात में। करा हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम सहनी। आगे है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के पिता अगर बात करें वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो ये तो आपको पता ही होगा जो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है वो जो है इसको हम मृतकों का टीला कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए आगे देते हैं 27 नंबर धौलावीरा किस राज्य में है, धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो उनमें सबसे बड़ा शहर निकल के आया मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। चलिए 29 नंबर है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो ये था आपका 29 ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़े और बढ़िया लगा होगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना सपोर्ट जो है लगातार बना के रखिए, और तब तक के लिए बाय, और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।